पहले आप एक वीडियो देखो और डिसाइड करो कि आपको कैसा वीडियो देखना है, जिसमें आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है और वीडियो क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ है, और उसके अलावा कि वॉइस क्वालिटी खराब है लेकिन वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। इन दोनों वीडियो में से आप लोग ज्यादातर वही वीडियो देखना पसंद करेंगे जिसमें से इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो देखो, अगर तुम्हें अपने वीडियो को रिकॉर्ड करना है, अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना है, तो इसके लिए तुम्हारे पास एक अच्छा इक्विपमेंट होना जरूरी नहीं है। इसके लिए तुम्हें थोड़ी बहुत टेक्निक आनी चाहिए और तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा ऐप कैसे यूज करना है। उसके बाद तुम्हारे पास माइक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो, एक प्रोफेशनल और एक अच्छे वॉइस क्वालिटी के लिए तुम्हारे पास तीन चीज होना जरूरी है। पहला, एक अच्छा सा फोन जिसमें तुम अपने वीडियो को एडिट कर पाओ। सेकंड, दो ऐप जो तुम्हारे भी रिकॉर्डिंग से पहले और रिकॉर्डिंग के बाद चाहिए। थर्ड, कुछ स्टेप जिसके बाद तुम्हारी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वॉइस रिकॉर्ड करने का पहला स्टेप ये है कि तुम अपने रूम को नॉइस अब्सॉर्बर बनाओ। अपने घर का कंबल लो, बेडशीट लो, चादर लो और उसे अपने कमरे के चारों तरफ फैला दो। इसके अलावा तुम कपड़ा डाल सकते हो अपने ठीक सामने, जहाँ पे तुम्हारी वॉइस टकराएगी दीवार से। उसके अलावा तुम्हारी दोनों साइड की दीवार है, उसके बाद जहाँ पे तुम बैठे हो वहाँ पे, जिससे तुम्हारा इको और नॉइस जो रहेगा वो कम हो जाएगा। यानी कि तुम अपने रूम में इतने सारे कपड़े फैला दो कि जब भी तुम बोलो तो गूंजे ना, कुछ ऐसी साउंड ना आए। सेकंड स्टेप है, तुम्हें अपने फोन को ओपन करना है और एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद इस ऐप को ओपन करना है और इस ऐप से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है। मैं इस ऐप को इस वजह से सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें तुम्हें कई सारे कमाल के फीचर मिल जाते हैं जो किसी भी अदर ऐप में नहीं मिलेंगे। जैसे कि तुम्हें इसमें रिकॉर्ड का ऑप्शन तो मिलता है, साथ में तुम्हें स्टॉप और प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे तुम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते टाइम ही तुम उसे लाइव सुन सकते हो कि तुमने अभी तक क्या रिकॉर्ड किया, और उसके बाद जहाँ पे तुमने अपनी रिकॉर्डिंग खत्म की थी तुम वहीं से अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। और इस ऐप की सबसे अच्छी बात ये है कि जो तुम्हें वॉइस पसंद नहीं आ रही थी, जिसे तुमने डिलीट कर दिया था, इसमें तुम्हारा डिलीट किया हुआ वॉइस भी मिल जाएगा और तुम उसे भी रिकवर कर सकते हो। है ना कमाल की चीज। अब हमने अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया, अब हमारा अगला स्टेप है इसको एडिट करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू एडिट वीडियो। तो अपने वॉइस को सुनने लायक और एक अच्छा और प्रोफेशनल लुक देने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ लिक्सन ऑडियो एडिटर। ये ऐप की सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको कमाल के फीचर मिल जाते हैं जो कि पेड वर्जन में देखने के लिए मिलते हैं। तो इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इसे ओपन कर। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने वॉइस को इम्पोर्ट कर ले। तो आप अपने वॉइस को प्ले करके देखो और सुनो और ध्यान से समझो, क्योंकि ये सुनना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि इसमें कमी क्या है और आपको ठीक क्या करना है। तो इसमें आपको सबसे पहली और एक कॉमन कमी मिलेगी, वो है नॉइस। तो इसको ठीक करने के लिए आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, इफेक्ट पे जाओगे और आपको यहाँ पे एक नॉइस का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप उस पर क्लिक करो और जो भी सेटिंग आपके सामने आए तो आप उसे डिफॉल्ट पे ही रहने दो और उसे अप्लाई कर दो, और आपने जो अपना वॉइस रिकॉर्ड किया था उसकी नॉइस खत्म हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप अपनी नॉइस को खत्म करना चाहते हो, साथ में आपकी वॉइस भी काफी पतली हो जाती है, तो इसके लिए आप एक और स्टेप फॉलो कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको फिर से अगेन थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है और स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे चले आना है। आपको इक्वालाइजर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आपको एक बैलेंस करके रखना होगा। तो इसके लिए आपको मैं एक सेटिंग बताता हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही सेट कर लेना है। सेट करने के बाद सिंपल आपको अप्लाई कर देना है और इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आप इसे भूलो ना। तो आप देखोगे जो आपकी वॉइस थी काफी ज्यादा लाउड हो जाएगी और इसका ग्राफ काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें आपको फिर से डॉट पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है और नीचे स्क्रोल डाउन करके आपको कंप्रेसर पे चले आना है। तो आपके सामने कुछ ऐसी सेटिंग आ जाएगी, तो बिना आपको छेड़े डिफॉल्ट पे ही रहने देना है और इसे अप्लाई कर देना है। और इतना ही स्टेप फॉलो करने के बाद आपकी वॉइस क्वालिटी कुछ ऐसी हो जाएगी। तो ऐसे ही प्रो टिप जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपको ऐसी प्रो टिप्स और ऐसी कंटेंट आपको बताता रहूं और आप अपने चैनल को ग्रो करते रहो। आप लोग अपना ध्यान रखना, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।